यस फ्रेंड्स, चलिए अब हम लेबर की ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फेयर प्ले कंपनी लिमिटेड हैज इंट्रोड्यूस अ स्कैनलन प्लान ऑफ इंसेंटिव बोनस फॉर इट्स एम्प्लॉइज इन 2012 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रीवियस 3 इयर्स। 3 साल की जो सेल्स थी और सैलरी एंड वेजेस वो दी हुई है। फॉर 2012 द सेल्स रेवेन्यू वाज इतना एंड सैलरीज वाज इतना। व्हाट इज द अमाउंट ड्यू एज बोनस टू द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू स्कैनलन प्लान। इसके बाद लिखा है इन्होंने 30% इज सेट असाइड इन अ बोनस इक्वलाइजेशन फंड। हाउ मच मनी इज पेबल इज अवेलेबल टू बी पेड आउट एज स्कैनलेस बोनस फॉर 2012। तो फ्रेंड्स, हम ये समझ लें पहले स्कैनलन बोनस का मतलब क्या है। हमारे पिछले 3 साल में जो हम सेल्स के बेसिस पर हम सैलरी दे रहे हैं, अगर हम उसी प्रोपोर्शन में उसी परसेंटेज से सैलरी देते ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो हमारी कितनी सैलरी होती, हमने दी कितनी है, तो बाकी जो डिफरेंस है वो हमें देना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज सैलरी ऑफ प्रीवियस पीरियड 36,000, 35,000, 35,100 डिवाइडेड बाय 3। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगी 35,367। फिर हम निकालेंगे एवरेज सेल, एवरेज सेल ऑफ प्रीवियस पीरियड 1,20,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3। ये आएगी हमारी 126,667। तो परसेंटेज ऑफ सैलरीज ऑन सेल ब्रैकेट में हम ले रहे हैं एवरेज 35,367 अपॉन 12,667, दैट इज 27.92%। दैट इज ऑन एवरेज वी पेड 27.92% ऑफ सेल एज सैलरी एंड वेजेस। सही है ना। अब ये हमारे लिए एक बेस बना, दैट इज बेस बना। अब हम कहेंगे सेल फॉर 2012 ये कितनी है हमारी 1,50,000। ठीक है ना। सैलरी एंड वेजेस और शेयर ऑफ एम्प्लॉय ऑन सेल कितना बनेगा, इसका 27.92% इनको मिलता है 41,880 रुपीज इनका शेयर बनता है। ऑलरेडी पेड एज सैलरी 36,000 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ये हमारा बैलेंस अमाउंट टू बी पेड, ये हमारा बोनस हुआ, यही हमारा स्कैनलन बोनस कहलाएगा। ठीक है ना, 5,888। अब हम इन्होंने बोला ट्रांसफर टू बोनस इक्विलाइजेशन फंड
5880 का 30% हम उसमें ट्रांसफर कर दें तो हमारा ये बचता है 4116 अमाउंट टू बी पेड। देखिए क्या पूछा था इंस्टीट्यूट ने आपसे, एक तो है 30% करें तो अमाउंट, हाउ मच अमाउंट मनी इज अवेलेबल टू बी पेड, ठीक है ना। तो ये हमारा एस स्कैनलन बोनस। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो सैलरी एंड वेजेज है उन्होंने लिंक कर दिया आपके सेल से, कि आप नॉर्मली सेल का इतने परसेंट तो आप सैलरी वेजेज में देते हैं, तो आपने जो कम दिया है वो आपका बोनस है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।